हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल शॉर्ट टर्म स्टॉक्स। आज मैं आपको शॉर्ट टर्म स्टॉक में एक अच्छा सा शॉर्ट टर्म स्टॉक बता रहा हूँ और उसके अलावा आपको आईपीओ का जीपीएम दिखाऊंगा। ये एक नहीं, दो स्टॉक्स बताऊंगा जो शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा सा रिटर्न देंगे आपको, ठीक है। तो पहला जो स्टॉक है, सीधा चलते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। और देखो, मैं तो बताऊंगा एज पर माई एक्सपीरियंस, फिर भी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है हमारा पहला अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स, अभी देखो फिलहाल क्या करना है, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले न्यूज़ और स्टॉक का पैटर्न दोनों आप मिला के चलो, तभी जाके आपका एक शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड है वो बनता है। मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म में करता हूँ। अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हो, पहले से आप हो मेरे साथ, तो ठीक है। ये है, ये टिल दी एंड। अभी क्या है, पूरा ये जो अपोलो टायर का जो पैटर्न देखेंगे, ये पूरा एक कंसोलिडेशन पीरियड में चल रहा है फेब्रवरी से, ठीक है। आती है 200 से और 248 के बीच में। बट अभी दो महीने से अगर आप देखेंगे तो ये एक अच्छा सा 215 नहीं, मैं बोल रहा हूँ 220 का जो रेंज है वो अच्छा सा सपोर्ट रेंज है इसका। तो यहाँ पे 220 का सपोर्ट पे और 215 की एक स्टॉप लॉस, अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म करने वाले हो, फिर भी मैं इसमें रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्टॉप लॉस है। बट स्टॉप लॉस तो 199 का मेजर स्टॉप लॉस है। बट अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 215 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है। बट यहां से आपको जो इमीडिएट टारगेट दिखेंगे, इसमें देखो 229 का टारगेट दिखेंगे आपको, 229 का टारगेट आपको यहाँ पे इमीडिएट दिखेंगे। तो मैं आपको एक मिनट, जो 229 का टारगेट है, 229, उसके बाद में 235, उसके बाद में 237, उसके बाद में 245। ये इमीडिएट टारगेट्स है। इमीडिएट टारगेट्स मतलब एक महीने से डेढ़ महीने के बीच के अंदर की जो टारगेट है वो ये है। और इसका अलावा अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो स्टॉप लॉस है 215 का। इमीडिएट जो स्टॉप लॉस, अगर मेजर आप देखना चाहते हैं तो 200 का मेजर स्टॉप लॉस है। देखो अभी निफ्टी भी है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और इस समय में मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा भी न्यूज़ जो गलत निकलेगा वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करेगा। तो बेटर स्टॉक स्पेसिफिक रहो। अभी टायर का स्टॉक्स में एक बूम आने वाली है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ जेके टायर भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली मैं जेके टायर को मैं आपको रेफर करने वाला था, बट जेके टायर ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, मैंने डाला था, सॉरी। ये ब्रेकआउट के बाद ये अभी 164, हाई पे कभी लेना नहीं है। ऑलवेज ट्राई टू बाय इट सपोर्ट, हाई पे कभी लेने का कोशिश मत करिए, क्योंकि जब हाई पे लेंगे तो गिरेंगे भी बहुत खतरनाक, ठीक है। अभी आपको मैं इसका टारगेट और स्टॉप लॉस तो बता दिया, और इसमें अगर आप देखेंगे इसका न्यूज़ क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखिए न्यूज़ जो है आज का डेट में बाई अपोलो टायर्स, इकोनॉमिक टाइम्स में डाला है इनके ग्लोबल ने 305 की टारगेट के लिए। ये मतलब ये क्वार्टर वाइज देते हैं, फिर भी इसमें हमें बन जाता है 245-250 का, तो इजी टारगेट बन जाता है, ठीक है, चार्ट के हिसाब से। और आपको अपोलो टायर्स एडजस्ट लोअर आफ्टर रिपोर्टिंग प्रॉफिट ऑफ
ठीक है, अगर देखिए प्रॉफिट देने के बाद भी अच्छा न्यूज़ है और अपोलो टायर्स मार्जिन आउटलुक इम्प्रूव्स ऑन प्राइस हाइक्स कॉस्ट क्रब्स, सही है, उनका कॉस्ट कम हो रही है और प्राइस ज़्यादा हो रही है टायर की, उसके हिसाब से कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा होगा। ठीक है, तो टॉप स्टॉक्स जो बाई ये भी थे कि वोडाफोन आइडिया का, जो वो तो मत बाई करो आप, मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ उसको, हम फिर भी आपका चॉइस है, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि उसको छूना नहीं है। और इसमें भी देखिए अपोलो टायर का है, तो बेटर ये जो है आप अपोलो टायर को 220 या 222-223 मैक्सिमम इसके बीच में आप खरीद को बैठ लो और आपको आराम से 229 और 235-237 अगर पार कर गया, 245 या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। जब देखो ये अगर ये 235 जाएगा तो आप 230 का एक स्टॉप लॉस लगा के रेट को GTT क्रिएट कर दो, स्टॉप लॉस लगाओ। अगर ये 237 जाएगा तो 233 का ऐसे आप एक स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, और वैसे ही 5-5 रुपये का आप लगा के बैठो, जब नीचे आएगा तो हिट करेगा, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, कभी भी जो जा रहा है उसको रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ये हो गया अपोलो टायर, आपको और एक मैं देना चाहता हूँ, बॉम्बे डाइंग मैन्युफैक्चर, ठीक है। ये बॉम्बे डाइंग जो है ये अभी देखिए इस सपोर्ट लाइन को ब्रीच करके छोड़ के एक भी कैंडल अभी तक बनाया नहीं, तो ये 100 की आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है, 100 या 99.85 का आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। आप सपोर्ट पे अगर इसको बाय कर सकते हो, मैं पर्सनली ये भी रिकमेंड करूँगा आपको कि छोटा क्वांटिटी ले लो और बड़ा पैसा कभी इसमें मत लगाओ, छोटा क्वांटिटी ले लो और अच्छा शॉर्ट टर्म में आपको आराम से 4-5 रुपये का आप मुंह दिखा सकता है। और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें रखो 99 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है इसको। देखो आपको मैं बता देता हूँ, टारगेट होगा आपको 105-109 का इमीडिएट टारगेट होगा और स्टॉप लॉस होगा आपका 99 रुपीज़ का, ठीक है, इतना आप याद रख लो। चलो ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा शॉर्ट टर्म स्टॉक। इसके साथ ही आपको मैं अभी बताऊंगा आईपीओ का, जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है विंडलास को, तो आपको पता है विंडलास, देखिए रोलेक्स का तो सबको मिल गया होगा, जिसको मिला होगा उसको हो जाएगा। अभी विंडलास जो अप्लाई कर रहा है ये 150 से गिर के अभी 90 तक आया है, थोड़ा ध्यान रखो। दिव्यानी अच्छा है, कृष्णा अच्छा है, एग्जारो टाइल्स बहुत कम है, कार ट्रेड अभी 9 तारीख को है और नोवो को आज ही इसका प्राइस बैंड खुला है तो 40 रुपीज़ का GPM इसका ट्रेड कर रहा है अभी ग्रे मार्केट में। अगर आपको इसमें से किसी का भी, या कार ट्रेड, नोवा को और भी है, मैं बताता हूँ आपको, कार ट्रेड, नोवा को, एप्टस हाउसिंग, चंबल, सनमार, इन किसी का भी अगर आपको आईपीओ का रिव्यू चाहिए मैं आपको डालूंगा, अगर रिकमेंडेशन रिव्यू जो भी है इसमें क्या है कंपनी का सिचुएशन, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो, उसके साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो कि ये स्टॉक के बारे में आपको बताएं। अगर कोई भी स्टॉक आपका फंसा पड़ा हुआ है उस स्टॉक के बारे में भी आप बता सकते हो, मैं उसको भी रिव्यू करके बता दूंगा कि उसको निकलना है क्या, उसमें बहुत देर तक अभी कुछ होल्ड करना है, कुछ बात बनना है। मैं तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोचता हूँ, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता हूँ, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का कोई चाहिए तो वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप, क्या यार वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो तो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो अगर आपको, चलो दो हो गया, दो स्टॉक्स हो गया और आईपीओ का, ग्रे मार्केट का जो प्राइस चल रहा है सबका मैंने दिखा दिया आपको आज का दिन का। और जो भी आपका रिक्वेस्ट है एक बार डाल दो कमेंट बॉक्स में, देख लेंगे। चलो थैंक यू सो मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए, और अभी लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना यार करना, सॉरी यार, क्योंकि यार आपका ये सब्सक्राइब जो है वो हिम्मत देती है और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।